खबर आई बरेली से, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग और घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है। इसकी सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए गए। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गांधी नगर मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है, जहां रहने वाले सौरभ श्रीवास्तव के घर में सदी परिस्थितियों में आग लग गई और देखते देखते आग में बिकरार रूप धारण कर लिया और घर में रखा कृष्ण का सारा सामान सहित जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय घर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। सभी लोग निमंत्रण में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। मोहल्ले वालों के द्वारा ही जब घर के अंदर आग लगी और जिसपे मोहल्ले वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाए, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बता दी कि करीबन 2 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा। प्राइम के निवेशनी के लिए राम भवन रायबरेली। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं आप? वीरपाल कोठी इंद्रनगर रहेंगे। क्या हुआ इधर? शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो आपके घर में लगी है क्या? हाँ, हमारे घर। कितना सामान क्या लग रहा है, कितने की सामान होगा? लगभग 1.5 से 2 लाख। तो अभी कोई आया बुझाने के लिए? फायर स्टेशन की टीम आई थी। कंट्रोल है? हाँ, कंट्रोल हो गया। कोई हताहत, कोई ऐसी बात? कोई बात नहीं। कैसे क्या पता चल रहा है आपको? शॉर्ट सर्किट से